हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देव। स्वागत करता हूं क्लास ऑफ क्लास के और एक नए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, मैं अभी टाउनल 10 वाला आईडी में हूं एंड देख सकते हो अभी मेरा 2 वार अटैक पेंडिंग है। तो गाइस, मैं वार में अटैक करूंगा, लेकिन अभी मैं ट्रूप्स यूज करूंगा राम राइडर। ओके गाइस, अभी सुपर सेल ने हमको ये दिया है तो उसका फुल हम फायदा उठाना चाहिए। एंड मैंने कुछ आर्मी ऐसे मैंने बनाया है, ये एक्चुअली हाइब्रिड का अटैक स्ट्रेटेजी है। हाइब्रिड में मैंने क्या किया, हॉक राइडर एंड माइनर्स को रिमूव करके उसका प्लेसमेंट में मैंने राम राइडर को ऐड कर दिया। तो चलिए फिर देखते हैं और कैसा काम करता है ये देखेंगे। बहुत ही पावरफुल ट्रूप है भाई राम राइडर। तो हम नंबर 1-2 पे अटैक करेंगे। यहाँ से देख सकते हो मैंने यहाँ से मार किया था, फिर भी किसी ने अटैक कर लिया है। तो एनिमी क्लान वालों ने भाई पूरा का पूरा 60 स्टार कर चुके हैं, पता नहीं अपना लौंडे अटैक करेंगे कि नहीं। ओके, तो मैं चाहता हूँ मैं अपना बेस्ट दिखाऊँ, क्योंकि तो बेस्ट तो दिखाएंगे लेकिन प्लान थोड़ा करते हैं। तो यहाँ से देख सकते हो गाइस, मैं कोशिश करूँगा क्वीन को इससे अंदर घुसाने के लिए। एंड ये पूरा का पूरा कंपार्टमेंट एनिमी किंग क्वीन एंड एनिमी सीसी को टेक डाउन करने के लिए क्वीन के साथ अपना रहेगा प्लान। ओके, तो यहाँ से हम यूज करेंगे अपना साइज बारक्स एंड यहाँ से यूज करेंगे राम राइडर। तो कुछ इस तरीके से प्लान होगा, तो ज़्यादा सोचते नहीं डायरेक्ट अटैक की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं, लेकिन पता नहीं यार कैसे होगा, थोड़ा सा सिंगल इंफर्नो है। एंड चलो फटाफट यहाँ से हम कर लेते हैं, यहाँ से एक बेबी ड्रैगन ट्रूप्स नहीं ये करना चाहिए। यहाँ से मैं एक राम राइडर छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये भाई वॉल तोड़ने में बिल्कुल ओपी है भाई, वॉल ब्रेकर फेलर भाई। ये जैसा वॉल तोड़ता है ना भाई, क्या ही बोलूँ। ए एबिलिटी यूज हो गया यार, सबसे घटिया चीज, सिट, ये नहीं होना चाहिए था भाई। एबिलिटी यूज हो गया अपना, जो कि नहीं होना चाहिए था, बहुत बड़ा गलती हो गया हमारा। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सिंगल इन्फर्नो भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम ना दे। एंड जिसका डर था वही हो गया भाई। भाई क्वीन ले ले, सिंगल इन्फर्नो का ले ले। अरे नहीं, क्वीन क्या कर रही है यार भाई, खत्म। क्वीन आरआईपी गाइस, क्वीन आरआईपी गाइस, क्वीन आरआईपी। चलो खैर कोई नहीं, यहाँ से हम किंग को छोड़ते हैं। भाई बहुत ही बड़ा गलती हो गया पता है, वहाँ से क्वीन का एबिलिटी यूज नहीं होना चाहिए था भाई। बहुत ही घटिया अटैक होने वाला ये, मुझे ऐसा क्यों लगता है। तो यहाँ से हम छोड़ देते हैं राम राइडर, फनेलिंग सॉरी किंग को मरना नहीं चाहिए भाई, किंग मर जाएगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। किंग जिंदा रहना चाहिए। तो चलिए चलिए चलिए, यहाँ से सही जा रहा है, 3 स्टार तो हो जाएगा भाई, क्योंकि राम राइडर बहुत ही पावरफुल है भाई, बहुत पावरफुल है। एंड हॉग राइडर भी पीछे आ रहे हैं, तो देख सकते हो गाइस। तो यहाँ से हम थोड़ा सा स्केलेटन निकल के आ चुका है, हमारा बहुत बड़ा गलती हो गया था, फिर भी ये 3 स्टार हो गया गाइस। ओके, वहां से क्वीन का एबिलिटी जाना एंड क्वीन को मर जाना बहुत बड़ा गलती हुआ था। बट भाई ये बहुत ही पावरफुल अटैक स्ट्रेटेजी आप भी यूज करो हाइब्रिड के जगह। मैंने यही स्ट्रेटेजी से अभी ट्रॉफी पुशिंग कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हो कितना पावरफुल है ये। तो फाइनली देख सकते हो गाइस, आखिरी 2 बिल्डिंग रह गया है एंड ये हो गया अपना 3 स्टार बहुत ही इजीली। तो गाइस, बस वीडियो को एक लाइक कर देना अभी तक नहीं किया है तो, इतना अच्छा अटैक स्ट्रेटेजी आप भी जरूर यूज करना। ओके, तो फ्रेंड्स हमारा फिर से आर्मी रेडी हो चुका है नेक्स्ट अटैक के लिए। तो चलिए अब सेकेंड अटैक भी फिनिश कर लेते हैं नंबर 2 के ऊपर। तो नंबर 2 का बेस देख सकते हो थोड़ा सा इस टाइप का है, तो मैं क्वीन को इस तरफ से घुसाऊंगा तो हमें एनिमी क्वीन मिल जाएगी। ओके, एनिमी क्वीन मिल जाएगी, उसके बाद हम यहाँ से सही बारक को ड्रॉप करेंगे, जिसकी वजह से किंग मिल जाएगा, पेक्का ले लेगा, तो ज़्यादा कुछ सोचेंगे नहीं। एंड राम राइडर देखेंगे भाई। ओके, मुझे भाई भरोसा है मेरा खुद के ऊपर, मैं भी 3 स्टार हो जाएगा, मैं क्यों बोल रहा हूँ भाई, हो जाएगा यार, बहुत ही पावरफुल आर्मी है। तो इस बार एबिलिटी को ऐसे वैसे हम नहीं ये करेंगे, वेस्ट करेंगे। ओके, यहाँ से कोई जड आ जाएगा, 2 जड को ड्रॉप कर देता हूँ, रिक्स नहीं लेने का है इस बार। एंड चलो वॉल ओपन हो चुका है,
वॉल ओपन हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर से दिक्कत हो जाएगा। क्वीन को थोड़ा सा टाइम देते हैं, क्वीन आराम से काम करे उसका। ओके, कोई जल्दबाजी नहीं है, यहाँ से एक आर्चर आ जाएगा एंड यहाँ से हमारा आ जाएगा। यस, एनिमी क्वीन डाउन। तो चलो वॉल में, वॉल ओपन हो जाएगा तो भाई ये भी मिल जाएगा। मैं चाहता हूँ कि क्वीन, हाँ सही जा रही है क्वीन, बिल्कुल क्वीन सही जा रही है गाइस, बिल्कुल सही जा रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके, यहाँ से हम अपना ये कर देते हैं, किंग को भी छोड़ देते हैं, वॉल ब्रेकर। ओके, एंड बाकी हमारा जो यहाँ से राम राइडर को हम ड्रॉप कर देते हैं, यहाँ से हमारा आ जाएगा गाइस विचार्ड। ओके, क्वीन मर गई। ओ भाई, क्वीन का एबिलिटी कब यूज हो गया था, मैंने देखा नहीं था यार, सो सैड ब्रो, क्वीन मर गई ब्रो, पता नहीं चाहिए यार, मेरे पास हीलर था यार, सॉरी हीलर बोल रहा हूँ, मेरे पास फ्री स्पेल था भाई, मैं आराम से यूज कर पाता। चलो यहाँ से हम ऐसे यूज करेंगे जो कि दोनों को हील मिल जाएगा, एंड यहाँ से क्लीन अप कर रहे हैं विजार्ड। ओके, हो गया गाइस, और कुछ दिक्कत वाली बात नहीं गाइस, आराम से थ्री स्टार हो गया, इजी भाई इजी, बिल्कुल आराम से गाइस। आप यूज कर, जैसे राम राइडर छोड़ते हो ना गाइस, वैसे उसके पीछे आप विजार्ड छोड़ लेना, जिसके वजह से टाइम फेल ना हो। ओके, एंड बहुत अच्छा यार, राम राइडर ओपी इन द चैट गाइस। तो फ्रेंड्स हमारे तरफ से तो 6 स्टार हो चुका है, क्लान मेट्स क्या करते हैं देख पता नहीं है। ओके, आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, ये वाला स्ट्रेटेजी पसंद आया होगा, आप भी यूज करिए, वार में, अपरनेट में, कहीं भी यूज करिए। ओके, लिमिटेड टाइम के लिए आपको मिला है तो जितना मर्जी यूज करिए उतना टाइम तक वार में, CWL में। ओके एंड गाइस, बस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू आ रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साइड का बेल आइकन को एक्टिव करके ऑल पर रख लीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको अगले वाले वीडियो में या कोई लाइव स्ट्रीम में, तब तक हंसते रहिए, खेलते रहिए, द क्लास ऑफ क्लांस।